Hello everyone, myself Kamlesh Sharma, Assistant Professor, Department of Mathematics, Harda Degree College, Harda. Harda Degree College के इस official YouTube channel में आप सभी का स्वागत है. इस channel के माध्यम से हम class 12th के जो students हैं, उनकी board exam की preparation के लिए कुछ videos share कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने subject में अच्छे से अच्छे marks प्राप्त कर सकें. और अगर कोई doubt हो, तो आप हमें comment कर ये बता सकते हैं, तो हम वो टॉपिक का वीडियो आपको शेयर करेंगे, जिससे आप और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके. ठीक, अभी इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का एक चैप्टर है, अवकलज के अनुप्रयोग. मैंने दोनों मीडियम को कवर किया है, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी, एक सिंगल वीडियो. अवकलज के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके लिए जो जरूरी है आपके लिए, वो ये कि आपको डिफरेंशिएशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज कि हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं. तो आप सभी को पता होगा कि अब क्योंकि उसी के जस्ट बाद डिफरेंशिएशन के बाद ही ये चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या अवकलज के अनुप्रयोग. मतलब वो जो अवकलज आपने पढ़े हैं, डेरिवेटिव्स आपने पढ़े हैं, उनका कहां पर यूज आप कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम समझते हैं. ये वाला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में, मतलब इससे कुल मिलाकर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. टोटल 6 मार्क्स जो है वो आपका कवर करता है ये वाला चैप्टर. उसमें 2 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रहेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, और 4 मार्क्स जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स से. ठीक है, टोटल इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा. अभी इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रेट ऑफ चेंज होता है, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे आता है, रेट ऑफ चेंज, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालें, जैसे एरिया में चेंज निकालें या और भी अलग अलग सरफेस एरिया में चेंज निकालें, तो किस तरह से वो चेंजेस निकाले जाते हैं ये हमें समझना है. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को रहता है वो ये रहता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, किसका डिफरेंशिएशन करें. ये सारे कंफ्यूजन जो है मैं इस वीडियो से आपके दूर करने की कोशिश करूंगा. आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिससे हमें सिर्फ ये समझना है कि हम रेट ऑफ चेंज जब निकालते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है और किसका डिफरेंशिएशन करना है. बस इतना सा इस वीडियो से आपको समझना है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है ये. ठीक, तो क्या है, एक क्वेश्चन लिया गया है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है. पहले फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिखा है, त्रिज्या आर वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब आर बराबर कितना हो 3 सेंटीमीटर. तो पहले तो हमें क्वेश्चन में यह समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करने को बोला गया है और किसका चेंज करने को बोला गया है. तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पर चेंज क्लियर समझ में आया होगा, क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. त्रिज्या r वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r जो है वो कितना हो 3 सेंटीमीटर का. त्रिज्या r मतलब परिवर्तन हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, चेंज हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में. जो त्रिज्या r है उसके रिस्पेक्ट में हमें चेंज निकालना है. ठीक, और किसका चेंज निकालना है, चेंज ऑफ द एरिया, मतलब जो सर्कल का जो एरिया होता है उसमें चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में. मतलब कुल मिलाकर अगर उस सर्कल की रेडियस चेंज होगी, तो रेडियस जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा ये हमें निकालना है. ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है. तो सभी को आपको पता होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ए हमने यहां एरिया का नाम दे दिया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू सभी को पता होती है 22/7 या 3.14, आर जो भी रेडियस रहेगी उस सर्कल की, ये उसका एरिया होता है. ठीक है ना, क्षेत्रफल होता है वृत्त का. अब हमें निकालना है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया. अब रेट ऑफ चेंज जब भी चेंज करने की बात आती है तो हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं. जैसे हम लिखते हैं ना कि y में x के रिस्पेक्ट में कैसे कितना चेंज हुआ है, तो हम उसको लिखते हैं dy / dx. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, y में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. तो वही चीज हमें यहां अप्लाई करनी है एरिया और रेडियस में. तो एरिया क्या था हमारा, a, उसमें चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या r के
सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, क्या लिखेंगे हम? डीए अपॉन डीआर। डीए मतलब एरिया में, ए में चेंज, डीआर मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज, आर के रिस्पेक्ट में चेंज। तो ये हमने डीए अपॉन डीआर कर दिया। अब इस साइड आए, दूसरे साइड हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, आर का करना है। तो पाई तो एक कांस्टेंट है, वैसा का वैसा ही रहेगा। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, मतलब 2 आर हुआ तो वो 2 पाई आर बन जाएगा। तो ये चीज समझ में आई कि हमें किसमें चेंज करना था, एरिया में चेंज करना था, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना था, आर के। तो मैंने यहां लिख दिया डीए अपॉन डीआर, ये जिसके रिस्पेक्ट में चेंज है वो अपॉन में आता है और जिसमें चेंज है वो ऊपर आता है। जैसे dy अपॉन dx मतलब y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है। तो ये आ गया अपना dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई r। ये तो हुई बात क्या कि एरिया में रेडियस r के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। अब हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इज r इक्वल टू 3। अब ये तो अभी कहीं हमने यूज ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ हमने इतना निकाला है कि dA अपॉन dr इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई r होगा, मतलब रेडियस r के रिस्पेक्ट में एरिया में जो चेंज होगा वो होगा 2 पाई r। अब जो है यहां पर हमें r इक्वल टू 3 को भी यूज करना है, तो r इक्वल टू 3 हम क्या करेंगे, जब r इक्वल टू 3 व्हेन r इक्वल टू 3, तो ये आ गया अपना dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई, और जहां r था वहां हमने क्या रख दिया, 3। अब हो सकता है r की जगह कोई और वैल्यू हो तो वो कोई वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देना है। तो ये कितना आ गया आपका, 6 पाई। मैंने यहां पर इसकी यूनिट लिखी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखा गया है, उसका रीजन मैं बता दूं कि पहले जो चेंज हो रहा है वो एरिया में हो रहा है, एरिया मतलब r स्क्वायर, मतलब वहां पर जो यूनिट है वो उस सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा क्योंकि हम एरिया में चेंज निकाल रहे हैं। अब निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में रेडियस r, और उसकी यूनिट कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो यहां सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। तो ये आ गया आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन कि हम किस तरह से रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। इसी वीडियो के बाद मैं आपको और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़े से हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था कि हम रेट ऑफ चेंज किस तरह से निकालते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम आपका एक मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक है, उच्च निम्न का, और हम समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।